हमारे डायरेक्टर थे इब्राहिम इलकाजी उस वक्त, तो वो अंधा युग हम लोगों के आने के पहले, मैं 71 में आया एनएसडी में, 1971 में, तो उसके पहले ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, इन लोगों के साथ वो अंधा युग कर चुके थे। और वो पहला, दूसरा, तीसरा बैच था जिसको, जो कि अंधा युग किया था जिसने, तब रविंद्र भवन में हम लोग ने रहते थे। हम लोग जब इन्होंने किया हमारे साथ, तब मैं रविंद्र भवन में था जिसमें साहित्य एकेडमी और ललित कला एकेडमी, उसके थर्ड फ्लोर पर नेशनल फ्लोर ड्रामा का संगीत नाटक एकेडमी के साथ में अपना फ्लोर था, उसमें हमारा स्टूडियो भी था, वहाँ हम रिहर्सल करते थे। तो ये 72 में हमें उन्होंने कहा कि ये रीडिंग करेंगे, और इसमें रीडिंग करवाते करवाते आखिर में मुझे अश्वत्थामा उन्होंने जो है रोल करने के लिए दिया। ये चित्रांकन अश्वत्थामा का मौका मिला मुझे। तो रीडिंग जब हम कर रहे थे तो साथ में राज बब्बर भी कर रहे थे, और भी बहुत सारे थे, सबसे जूनियर थे राज बब्बर, मगर ये कि तीन शो, ये हुआ कि तीन शो वो करेंगे, तीन शो फिर मैं करूँगा, ऐसे करके डिवाइड हुआ। तो वो पहली बार जब हम लोगों के साथ किया उन्होंने, तो वो काबुकी स्टाइल में, जापान की काबुकी स्टाइल में किया। तो उसमें ड्रेस वगैरह सब ये जो हुआ, जो पेंटिंग के आधार पे जो पेंटिंग होती है जापान की, उसको कंसल्ट करके, और वहाँ के इबारागी, अरे इबारागी एक थिएटर किया था काबुकी में, इबारागी एक थिएटर, उसके बाद फिर ये इन्होंने अंधा युग जब किया, तो रोशन अलकाजी जी उनकी वाइफ थी, उन्होंने ड्रेस डिजाइन की, तो बहुत सुंदर पैटर्न था। और फिर अलग से एक मुकुट अजीब सा लगा था, जो का मेरा ख्याल पूर्वाग्रह मैगजीन, अभी मैं हमने अलकाजी, इब्राहिम अलकाजी के लिए मैंने एक लेख लिखा था, तो उसमें मुख पृष्ठ पर हमारी फ़ोटो छपी थी, वो अश्वत्थामा के रूप में, अंधा युग के अश्वत्थामा के रूप में। और वो डॉक्टर धर्मवीर भारती आते ही रहते थे, उनसे मुलाकात होती रहती थी। तो वो असल में काव्य नाटिका के रूप में उन्होंने उसको लिखा था, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। तो उसको सबसे पहले मंच पे लाने का, प्रस्तुतिकरण उसका करने का जो सौभाग्य है, वो प्राप्त हुआ अलकाजी को, क्योंकि उन्होंने ये डेयरिंग स्टेप उठाया। ये बड़ा अजीब सा था कि एक रेडियो रूपक जो लिखा गया है, उसको कैसे मंचित किया जाए, तो वो उस हिसाब से उस विधा को उन्होंने कैसा मंचित, और उसको भी हम लोगों ने पुराने किले में किया, पुराना किला जो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ का पुराना किला, तो वो खंडहर, उसमें उन्होंने वो पूरा इंतजाम करके, और उसमें फिर हमारी सीढ़ियों से नीचे एंट्री होती थी, 5,000 पब्लिक बैठी रहती थी। उसके जो शोज हुए, सबसे पहले इंदिरा गांधी को दिखाए जाते थे, क्योंकि पेटेंट में हमारी चीफ थी। तो ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा द्रोण चढ़ाई थी, आज जब मैंने देखा तो शस्त्र आंखों में आंसू भरे हुए मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को, साफ साफ कुचला भयावह ये धनुष, अब मुझे लेना अपने पिता का प्रतिशोध। इस तरह का एक संवाद शुरू में, प्रारंभ में एक सॉलिलॉक्वी थी, उसके लिए बड़ा रियाज किया उन्होंने, अभ्यास किया। फिर जब शुरू हुआ तो पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि थिएटर में अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, महाभारत कालीन कथा को आज के एक नाटककार ने, कहानीकार ने, साहित्यकार ने, धर्मवीर भारती ने रेडियो रूपक में प्रस्तुत करने की चेष्टा की, जिसको कि हम लोगों ने मंचित किया इब्राहिम अलकाजी के सहयोग से, उनके निर्देशन में, बड़ा सौभाग्य था, और उसकी बड़ी चर्चा हुई। और फिर उसके कई शो करने के बाद, मतलब ऐसा रहता था कि तीन शो जैसे मैंने किया, फिर तीन शो बब्बर, राज बब्बर ने किया, मगर जहाँ तक उसका प्रकाशन का सवाल था, या प्रकाशित होना मैगजीन में, तो जहाँ वहाँ हमारी फ़ोटो ज़्यादातर वो उसमें आती थी, क्योंकि मैं थोड़ा कोशिश करता था कि जो एक धर्रा चल रहा है, जो हमको बताया गया, उस पर हम रहें, एक स्टाइल, एक जो ढंग था, एक शैली थी, उस पर मैं चलूं, मगर मैं कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा एक उसमें एक आयाम थोड़ा और जोड़ता है, कि कोशिश करता था कि आज मेरी परफॉर्मेंस है, ये वाली परफॉर्मेंस
जो है वो और अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ और मुद्रा और कुछ और संप्रेषण की कला में कुछ और मुझे उत्तरोत्तर वृद्धि करनी चाहिए, कुछ ऐसा विचार मन में उठता था। तो हमारी हर परफॉर्मेंस अलग अलग होती, तो उससे हमारे साथी जो आर्टिस्ट होते थे उनको भी थोड़ा चैतन्य रहना पड़ता था, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने पहली बार इसको 74 में किया था। पढ़ने में भी बड़ा, क्योंकि इसका पैटर्न जो था, ये पहली बार काव्य नाटक हम लोगों ने इस तरह से किया। उसके पहले हम लोग प्रोज कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, जो नाटक प्रोज में लिखे गए हैं, चाहे वो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखे हों उनके साथ कर रहे हैं, चाहे वो बाहर के अनुवादित हों जिसमें मैं अलका जी के डायरेक्शन में कर रहा हूँ, चाहे अपने भारतीय साहित्यकार हों नाटककार हों उनके साथ, और बाकी के जो भी डायरेक्टर का जो निर्देशन का कोर्स कर रहे हैं लड़के उनके सानिध्य में, उनके डायरेक्शन में, मतलब जो यथार्थ का निरूपण कर रहे हैं, आपका जो समसामयिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है जो कुछ भी है उससे, मगर एक पौराणिक आख्यान को इस तरह से उजागर करना वहाँ बड़ा ही अद्भुत था, अद्भुत मैं कहूँगा वो हमारा अनुभव था। आपने अलका जी के अलावा किसी अन्य डायरेक्टर के साथ भी अंधायुग किया? हाँ किया, रैना साहब के साथ। हाँ, एमके रैना के साथ किया। तो अच्छा, वो मैंने किया यक्षगान स्टाइल, वो यक्षगान स्टाइल, क्योंकि फिर उन्होंने जब उनका मन हुआ तो उनका यक्षगान करेंगे, क्योंकि बीवी कारण जो थे वो उसके पहले हमने यक्षगान में बीवी कारण के साथ उनके समझिए उनसे बहुत सीनियर, उनके गुरु के समान डॉक्टर शिव राम कारण जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका था, उनके निर्देशन में मैंने परशुराम किया था। और रतन कुमार थे जो मेरे क्लास में थे, वो थे तो डायरेक्शन उनको मिलना था, मगर वो हमारे चक्कर में कि हमारे साथ रेपो बन गई थी उनकी, तो वो उन्होंने एक्टिंग ली, तो एक्टिंग वो हमारे साथ करते थे जबकि मणिपुर के थे, और हिंदी उनके लिए और उर्दू उनके लिए थोड़ा मुश्किल होती थी, मगर बड़ी मेहनत करके उन्होंने साहब मेन रोल भीष्म पितामह का, भीष्म विजय नाटक था उस शैली में, कर्नाटक शैली में, तकट तक धीमी, उसमें मतलब बकायदा वाद यंत्र, जैसे कि इसमें भी बैकग्राउंड में अंधायुग में भी अलका जी के जो काबुकी की शैली थी संगीत की, कोरस में बैठ करके सब एक साथ उसका प्रैक्टिस करते थे, तो वो उजागर होता था जो आपका शब्द है, जो आपका संवाद है कोरस का, और उसके साथ जो म्यूजिक होती टिन टुक काबुकी स्टाइल, बांसुरी बजी टुक टिन, जैसे नेचर में जैसे कुछ आवाज़ हो जाती है पानी के टपकने की, वर्षा की, तो वो सब, तो वो यक्षगान स्टाइल जो है वो भी बड़ी वो है, प्राचीन है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ यहाँ महाराष्ट्र में तमाशा है, वैसे ही वो यक्षगान, मगर वो बहुत ही उसका जो मेकअप होता है वो भी बड़ा डेंजर बना है, जैसे कि हम लोगों ने अगर काबुकी में जो हमने शैली अपनाई उससे कम नहीं था वो भी, उसमें भी जो है वो पूरा मेकअप होता है, होता है और पूरा ड्रेस उसका, और उसके साथ वो भी रिदम के साथ, तो वो भी हमने एम के रैना के साथ उसी पुराने किले में किया उसका मंचन, अश्वत्थामा में ही था उसमें भी 77। हाँ, तो ये हुआ है आपका 72 में अलका जी साहब का, और ये हुआ है 76 में एम के रैना का। दो अलग अलग निर्देशकों के साथ काम किए, दो अलग अलग स्टाइल में किया गया। हाँ, तो दो नाटककारों के, दो अलग अलग निर्देशकों के साथ काम करते हुए एक व्यक्ति जो अश्वत्थामा की भूमिका कर रहा है, वो दो अलग अलग अप्रोचेस क्या थे, दोनों के साथ अलग अलग अनुभव क्या थे, या आपने अश्वत्थामा को दो अलग अलग तरीके से कैसे प्रेजेंट किया? हाँ, वो बिल्कुल विभिन्न शैली है, दोनों की विभिन्न शैली है, मगर आदमी एक है जो सांस लेता हुआ मेरा चरित्र है, मेरा स्वयं का अपना चरित्र है, उसको उस चरित्र में ढालना, उस चरित्र का तद्रूप होना, उसे तादाद स्थापित करना, ये तो मैं अलका जी के साथ इबारागी वाली शैली में जो था वो कर चुका था, जो कि मेरी अपनी शैली नहीं थी, भारतीय शैली नहीं थी, तो उसमें मुझे अब ज़्यादा अभ्यास करना पड़ा था। और दूसरे एम के रैना वाले में यक्षगान मैं चूंकि थोड़ा कर चुका था, अपने डॉक्टर शिवराम कारण साहब, बीबी कारण जी के साथ मैं कर चुका था,
और उसमें परशुराम का रोल कर चुका था, तो उसमें अपनी भारतीयता जो थी एक उसमें मुझे सहजता लगी थी, उस असहज को मैंने सहज करने की कोशिश की थी। ये बात है, अरे मैं अपना काबू की शैली में अपना अंधा ही इब्राहिम था, वो असहज था, उसकी शैली असहज थी, उसको कैसे कैसे करके हमने उसको ऐसा लगे कि सहज है, ऐसा करने की कोशिश की। तो एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल जो है और ज्यादा ही एक्सिजरेटेड कहा जाए, मेलो ड्रामा कहेंगे उसको, कहेंगे कि एक ऐसी शैली जिसमें कि लार्जर देन लाइफ वो, तो वो मगर चूंकि बैकग्राउंड फिर इन्होंने यही छाटा एम के रैना ने, यक्षगान वाली जो मुद्रा है या शैली है उसमें जो भारतीय है जो मुद्रा है जनेऊ को लेकर के है, जनेऊ है उसमें जनेऊ नहीं, तो ये सब पटके हैं, पटका है, सुतरी है, ये है, तो उसके साथ किस तरह से हमें भाव भंगिमा कर वो अलग चीज़ थी, तो उसमें भारतीयता का जो है आत्मा झलकती है। एम के रैना वाले प्रोडक्शन में जो मैंने महसूस किया वो ये था कि अपना जो है कर्नाटक शैली पे संगीत हो रहा है उसमें, क्योंकि मैं उसमें एक बार कर चुका था परशुराम, तो इसलिए मुझे वो स्वाभाविक लगा, अगर न किया होता तो शायद मेरे लिए वो भी डिफिकल्ट होता। तो चैलेंजिंग ज़्यादा लेकिन था आपका अलका जी के साथ करना। अलका जी वाला हमारा बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी, वो एकदम नई चीज़, उसके लिए हम बहुत कोशिश करना पड़ा मुझे, और इसके लिए भी हमें चूँकि एक बार वो भी कर चुके हैं, आत्मा तो है उसको संवाद है, उस चित्रांकन जो है वो संवाद क्या है, और वो द्रोणाचार्य और क्या कहते हैं उनके पुत्र अश्वत्थामा, और चूँकि हम भी भारतीय परिवेश में रहे हैं और हम भी हमारा भी गोत्र भरद्वाज रहा है, तो हम भी अपने को उन चरित्रों में ढालने में बहुत ही एक सरलता और सहजता अनुभव करते हैं, मगर बाहर के जो चरित्र हों तो उनके लिए थोड़ा उस शैली में अपने चरित्र को करना, मगर जो कॉमन चीज़ है वो तो ये है कि मेरी आवाज़ संवाद का एक पैटर्न हो सकता है, एक हो सकता है कि एक एक शैली है जो कि संगीत की जो शास्त्रीय संगीत है उसमें एक कर्नाटक शैली है और एक धमार है, एक ध्रुपद है गायकी, वो काबुकी स्टाइल हो गया था। अच्छा। तो हमारे लिए जो था ये था कि बस मुझे याद करना है, स्मरण करना है कि मुझे किस ढंग से करना है, तो वो पहली मानसिकता बना करके, वो गरिमा वो गंभीरता बना के, तब मैं वही करता था जो वो चाहते थे, जैसा चाहते थे। अगर आपको आज की तारीख में पूछा जाए कि अंधा युग आज अगर आपको करना है तो आप क्या अभिनय करना चाहेंगे, आप डायरेक्ट करना चाहेंगे, आप अभिनय करेंगे तो क्या करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि जो हम कर चुके हैं उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि अनुभव जो होता है आदमी को, जो अनुभूति हुई यहाँ जो जीवन विगत जीवन रहा है हमारा इन सब शैलियों से गुजरते हुए, उसको कितना और सरल करें, एक परिवेश बनाना पड़ता है, वो पूरा का पूरा परिवेश बनता है, आपका प्रसाधन आपका वस्त्र विन्यास है जो भी है, वो हम उससे और मेकअप से उसको करते हैं। एक है जैसे कि हम आप अभी बैठे बात कर रहे हैं, इसमें मैं अपने को अश्वत्थामा समझूं जैसा हूं, और ये ड्रेस के बजाय ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि एक उत्तरीय या जैसे हल्का सा या एक यज्ञोपवीत जो भी है एक ब्राह्मण का, वो बस ये कि आज जो ब्राह्मण पहनते हैं वो कान पे चढ़ा लेते हैं इतना मालूम उनको, मगर हमको इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो खाली पीठ खुजलाने के लिए नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ हम अभिमंत्रित कर सकते हैं, तो उसको लेकर एक बार मेरे मन में आया था कि मैं इसको खाली जनेऊ के साथ कैसे किया जा सकता है, अश्वत्थामा जो ब्राह्मण था, मगर जनेऊ के साथ वहाँ चूंकि जनेऊ था, मगर फिर उन्होंने चूंकि पटका था हमारे साथ, वो पटका का उत्तरीय जो था उसको लेकर के हम थोड़ा बहुत उसको लेके कर रहे थे कुछ मुद्रा में, मगर ये कि एक आया कि सीधा हल्का सा अपना जैसे धोती पहनते हैं, अब तो आजकल तो नेता लोग पहनते हैं या तो संत लोग पहनते हैं, मगर वो हमको संत और नेता को
दिखाना नहीं, हमको तो एक व्यथा दिखानी है और एक एक आदमी की व्यथा दिखानी। अब चूंकि वो इतना पारंगत है कि ब्रह्मास्त्र चला सकता है, इसका मतलब उसने रिसर्च किया है, वो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह एक साइंटिस्ट है। और हमने वही आपको बताया कि ऐसा सोच करके मैंने कहा डायरेक्शन तो अपनी जगह है, डायरेक्शन भी दिया जा सकता है, हमसे बहुत कौन का डायरेक्शन है कि डायरेक्शन भी मिल सकता है। क्योंकि मुझे उसके बाद इसी तरह की एक काव्य नाटिका दुष्यंत कुमार की एक कंठ विष्पाई हमने पढ़ा, तो मेरा हमको कहा गया कि आप इसको निर्देशित कीजिए, बाहर के लोगों जो एनर्जी से संबंधित थे बाहर करेंगे। हमने लोगों को बैठाया उठाया, पाठ पाठ करवाया, तो मैंने देखा कि किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है, कोई शुद्ध ढंग से उसको पढ़ नहीं पा रहा है। हमने कहा बेसिक फंडामेंटल चीज़ जो है, जो प्रारंभिक अक्षर शब्द किस प्रकार से उसको संवाद में लाने के पहले कैसे इनका अभ्यास करवाएं, ये तो पूरी क्लास हो जाएगी, बड़ा टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास बहुत साहित्य में भरा पड़ा है, वो काव्य में भी है और गद्य में भी है, पद्य में भी है, और हम उसको ऐसे चरित्रों को अगर हम करना चाहें तो आज के समसामयिक संदर्भ से उसको जोड़ सकते हैं। मगर मेरी कल्पना में मैंने जो अश्वत्थामा सोचा था वो मैंने यही सोचा था कि किस तरह से अपने केश बढ़ा लूँगा और नेचुरल कर लूँगा, आवश्यकता पड़ी थोड़ी दाढ़ी भी बढ़ा लूँगा और फिर उसके बाद। तो इसमें हमने तो मेकअप किया था मगर वो जीना जो है उस चरित्र की उसको आत्मसात करना, ये मैंने किया। आत्मसात करने की कोशिश मैंने काबुकी वाले शैली में भी किया, इसमें भी किया, अपने यक्षगान शैली में जो एम के रैना ने किया उसमें भी किया। मगर मेरा अपना अंदर का जो आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि मैं अगर चाहता अश्वत्थामा को करना कैसे करता, तो मैं उसको बहुत साधारण से करता। मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे रामायण या महाभारत के जो चरित्र हम बीवी हमने जब भी अपना बी आर चोपड़ा के निर्देशन में महाभारत में जब मैं वेदव्यास का चरित्र कर रहा था, तो हम लोगों के जो वस्त्र थे और जो वो मतलब जैसा मैंने विचार किया था उसी हिसाब से चला था। जबकि ये दोनों शैली हमारे लिए अश्वत्थामा करते वक्त ये हमारे हमको उसके वो समझिए उसमें हमको जाना पड़ा था, उसके अंदर प्रवेश करना पड़ा था। इसमें प्रवेश करने की बात नहीं थी, इसमें तो वो लगता था वो मेरे में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि एक ढंग जीवन का जो हमारे पूर्वज लोग जो जिए हैं, जो हमने अपनी आंखों से भी देखा है, उससे जो समानता मिलती है वो मुझे ये जो महाभारत में करते हुए बी आर चोपड़ा साहब के उसमें जो मैंने ये किया अपना आयुष्मान भव, यशस्वी भव, मनस्वी भव, राजस्वी भव, चक्रवर्ती भव, दिग्विजयी भव, खंड स्वामी आशीर्वाद देना, आशीर्वचन देना, 274 साल का चरित्र खड़ा हूँ पहन के चलना, वहाँ खड़ा हूँ नहीं पाया हमको। ऐसा मिलता था सीढ़ी से उतरना पड़ता था तो उसमें खड़ाऊ पहन के कैसे उतरेंगे, स्लिप करना है कुछ करना है, यहाँ पे वो ये वाली खड़ाऊ जो होती है पैर में जो अपना उस पर जिसे आँख की दृष्टि हो जाती है, आँख तो रोज रोशनी प्रकाश आँख में आ जाता है अगर वो बराबर यहाँ पर इसका नस का संबंध आँख से है, तो ये हम लोगों के परंपरा में रहा है, खड़ाऊ है ये है, ऐसा विचार किया मैंने, ये अश्वत्थामा खड़ाऊ पहन के चले, जो कि दोनों शैली में नहीं था हमारे यहाँ, कर सकते थे मगर जो उन्होंने चुना था वो उसका वेन्यू जो प्रांगण जो चुना था वो टूटी फूटी सीढ़ियों से उतरना पड़ता, बड़ा बैलेंस गड़बड़ हो सकता था, इसलिए वो नहीं पीड़ा उठाया वैसा। हमको मालूम ही भारू मारती ने कैसे किया, मगर हम उसको चाहते थे जैसे कि एक सादा एक मैदान सा है, हम जो विचार करते थे पठार है, मैदान एक फील्ड है, इधर उधर खेत होंगे, एक बड़ा आदमी जब सोचता है एक ढंग से इसको यहाँ पे करेंगे तो उसके जो अंडर में जो स्टूडेंट है वो भी प्रोफेसर हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, मैम कह रहे ना कि बात वो भी सोचता कि हम भी ऐसा,
लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो लार्जर देन लाइफ वाली प्रस्तुतियाँ होती हैं उनमें कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि प्रस्तुति बहुत प्रधान हो गई और जो अंधा युग का कंटेंट है वो थोड़ा पीछे हट गया और थोड़ा दौड़ हो गया, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, वो इसलिए नहीं लगता कि वो तो अंडरलाइन किया जा रहा है, वो तो रेखांकित किया जा रहा है, कोरस के साथ किया जा रहा है, एक स्वर के बजाय 100 स्वर साथ में सुनाई दे रहे हैं, वो तो और बड़ा डेंजर हो रहा है। यानी उसको जिसको कहते हैं कि दमावा और ड्रम और क्या कहते हैं नगाड़ा जो होना चाहिए उस माहौल में, एक रणभेरी शंख जो बजना चाहिए, वैसा इफेक्ट होता है जब ऐसा कोरस में होता है। जहां तक आत्मा की बात है तो आत्मा तो जो हम हमारे शरीर में है उनके भी शरीर में है, निर्देशक के शरीर में भी है, तो आत्मा की शक्ति है जो ये सब करवा रही है, सब मिलकर कर रहे हैं, इतना प्रयास जो कर रहे हैं उसमें कंटेंट जो है वो। अब जैसे कि ये बात आपने ऐसी की, जैसे सज्जीत रे की शतरंज के खिलाड़ी देखने के बाद मैंने महसूस किया, जो मैंने प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद का शतरंज का खिलाड़ी पढ़ा था, वो जो मेरे आखिरी सीन में जो जैसे एक एक मुक्के में से पानी जैसे रहा था, वो कर रहा था, वो जो मैंने मेरे में कल्पना में आया था वो मैं फिल्म में नहीं देख पाया, जबकि उन्होंने अभिनय बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर चित्रित किया, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। सज्जीत रे को मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा इन्होंने एक बीड़ा उठाया और ये दुस्साहस किया कि प्रेमचंद मुंशी के शतरंज खिलाड़ी में इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों को लेकर उन्होंने बनाए, बहुत सुंदर बनाए। मगर एक कल्पना होती है, एक पाठक जो पढ़ता है एक साहित्य को, जब हम पढ़ते हैं चाहे विद्यार्थी के रूप में चाहे एक शिक्षक के रूप में, तो वो बात आपकी यहाँ पे सही है कि जो धर्मवीर भारती ने जो लिखा है, एक बात जो कही है, वो अगर हम सहज ढंग से उसका फिल्मीकरण करें तो वो ज़्यादा निकट होगा। नाटक जो है, नाटक में जो हम कर रहे हैं और वो भी बिना माइक वाइक के अभ्यास करके आवाज़ को स्थित करके जो हम कर रहे हैं उसमें लार्जर देन लाइफ तो करना ही पड़ेगा, इतनी ऑडियंस बैठी हुई है सबको बताने के लिए। खैर वो प्रसंग भी ऐसा है कि लार्जर देन लाइफ होता भी है, मगर वही चीज़ जब मन की कुंठा मन की ये है उसमें कैसे वो अपना कौन सा वस्त्र पकड़ के, अपने बाल पकड़ करके, या कैसे वो अपना वो जनेऊ पकड़ के, या कैसे उनको लपेटते हुए उंगली में एक विचार उसका आता रहेगा, फिर कैसे उसको उठाएगा, ये सब जो उतरा है ये फिल्मीकरण होता है। ये फिल्मीकरण अगर इसका होता तो इस विधा में न करके हम उसको सहज विधा बनाते हैं तो वो ज़्यादा कैमरा फोकस करता है, वो आपका एक एक आँख के अंदर वो जा सकता है। अब तो इतना हो गया है कि मतलब आँख में जो हम मुंह से बोले भी नहीं और फिर आँख में जो प्रतिशोध की अग्नि है वो कैसे आए और कैसे फिर उसके बाद, ये सब जितना हमारी शैलियाँ थी पहले अभी भी हैं, कुचिपुड़ी ये अपना क्या कहते हैं ये जो हमें यक्षगान बताए, इसमें कितना करते हैं, सांस की कभी प्राणायाम बड़ा अभ्यास है, ये सब अब तो इतना बढ़ गया है, इतना उपकरण आ गया, इतना साधन हो गया है कि हम अपनी संस्कृति अपनी परंपरा अपने उन चरित्रों को जो कि इन व्यथाओं में या इन मानसिकता में रहे हैं उनको उजागर हम इसके जरिए कर सकते हैं। चूँकि मुझे हमेशा लगता रहा है कि ये नाटक जो है वो ट्रेजेडी है, एक नहीं ट्रेजेडी देखो एक क्या है, एक जो त्रासदी, वो त्रासदी जो है वो अश्वत्थामा की है और मनुष्यता की है। देखो व्यंग व्यंग अलग है, हास्य अलग है, एक यथार्थ अलग है, सहज एक परिवेश सुखी परिवार अलग है, एक दुखी परिवार है, तो त्रासदी जैसे शेक्सपियर ने त्रासदी त्रासदी, कालिदास ने त्रासदी नहीं दिखाई है, व्यथा दिखाई है, चाहे मेघदूतम हो चाहे विज्ञान शकुंतलम हो इसमें भी, और ये भी किया गया है नेत्री के द्वारा, ये भी अलका जी के निर्देशन में बहुत कुछ ऐसा भी प्रयोग किया गया है।
अगर जैसे एक होता है दिवा स्वप्न, एक होता है कि आप निद्रा में स्वप्न देखते हैं, तो कभी कभी आप स्वप्न देखते हैं जो आपसे कहीं कहीं रिलेटेड नहीं, आप समझ नहीं पाते क्या है, वो आपके संस्कार है, कोटि कोटि जन्म के संस्कार है वो, जो कि कब मौका पाके उजागर हो जाते हैं और एक झलक दिखा दे जाते हैं कि आप कभी ये भी थे, तो हम तद्रूप हो जाते हैं उसके। हमको भी सपने आते थे अश्वत्थामा के, द्रोणाचार्य के, जब मैं ये सब कर रहा था तो मुझे लगता था मैं ही अश्वत्थामा था, मैं उस समय अश्वत्थामा जो मैं अश्वत्थामा कर रहा हूँ आज, ये विचार आ रहा था। विचार ये हमको और संकल्पित कर रहा था, विचार ये हमको और भी अश्वत्थामा की आत्मा के करीब लाता था, और मैं अश्वत्थामा समझने लगा कि मैं अश्वत्थामा, मैं अश्वत्थामा था, आज मैं अश्वत्थामा इसलिए कर रहा हूँ। तो इतना अपने को लगाते हम जुड़ जाते हैं, फिर हम वही हो जाते हैं उस पल के लिए। ये हमने अलका जी, इब्राहिम अलका जी, जबकि वो आपको बताएं राडा में पीटर ओटूल के क्लास खेलो थे, रिचर्ड बटन, पीटर ओटूल की मैंने देखी है फिल्म द बैकेट, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस, एक एक्स्ट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है। हमारे भारतीय लोग इंट्रोवर्ट ज्यादा रहे हैं, अंतर्मुख रहे हैं, पाश्चात्य में बहिर्मुख ज्यादा रहा है। अब आज के कॉम्बिनेशन में क्या परसेंटेज है आज के युवा की, आज के आदमी के इस परिवेश में, कि कितना वो आउटवर्ड, कितना एक्सट्रोवर्ड है, कितना इंट्रोवर्ड, यानी कितना अंतर्मुखी है, कितना एक बैलेंस था पहले, कि 50% अंतर्मुख रहेंगे और 50% बहिर्मुख रहेंगे, ये एक बैलेंस था। अभी क्या 95% बहिर्मुख हो गए हैं और 5% अंतर्मुख है, जबकि पहले यहाँ पे जो शिक्षा दी जाए सा विद्या या विमुक्त है, यानी ऐसी विद्या जिससे कि आत्मा जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, उसमें अंतर्मुख साधना है, यम नियम प्रत्याहार धारणा समाधि निर्विकल्प समाधि, ये सब अष्टांग योग है। तो अब आज के दुनिया में ये सब नहीं हो पा सकता। एक रामदेव बाबा थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे तो करेंगे, बताएंगे, तो जो करेगा वही बताएगा ना। अब हम लोग पूरी तरह से ऊपर से व्यवहार में सब जगह जो है उपकरण सब उनका है, पाश्चात्य का है, दादा साहब फालके लेके आए कैमरा, तब वो हरिश्चंद यही तारीख थी। आज आप 4 मई को हमारा ले रहे हैं, 3 मई 2013 कल था, और 3 मई 2013 को पहली बार 1913 को मैं, हमारी माँ प्रेम कुमारी उपाध्याय, उन्होंने भी जन्म लिया और सिनेमा ने भी जन्म लिया, ये भी क्या समझ लीजिए। और हमारी माँ की प्रेरणा से ही मैं ये कलाकार हो पाया हूँ, मेरी माँ ने ही मुझे बल प्रदान किया, क्योंकि वो संत परिवार की थी, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारा इच्छा हो तुम करो, तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि पिताजी नहीं चाहते कि मैं इस लाइन में आऊँ। तो मेरा परिवेश जो था वो विरोधाभास इस मामले में था कि मुझे दोनों तरफ से नहीं बकअप या बूस्ट किया गया, माँ की तरफ से किया गया, पिता की तरफ से रोका गया, फिर भी मैंने किया। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आ गया, मेरा हो गया, मुझे जब स्कॉलरशिप मिलने लगी, जब मुझे जो है वो वहाँ पे क्या कहते हैं इस तरह के चरित्र मिलने लगे और नाम प्रकाशित होने लगा अखबार में, हमारी भूमिका के बारे में जब बुरी बुरी प्रशंसा होने लगी, तब पिताजी ने कहा हाँ ठीक है, उसके पहले नहीं कहा, मगर माँ मुझे शुरू से करती थी। तो माँ मेरी पहली गुरु थी, जो मतलब मुझे बचपन में परशुराम और क्या कहते हैं वो बना करके, कभी रामनवमी में राम बना दे, कभी कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण बना दे, तो वो माँ कलाकार थी, तो उसका अंश मेरे में था। पिताजी भी कलाकार थे, मगर वो मतलब कि प्रदर्शन नहीं करते, मगर आदमी तो भाई सब सारे नौ जितने भाव हैं सब तो हर आदमी के अंदर है, किस परिस्थिति में कब वो कितना शांत हो जाता है, किस परिस्थिति में कितना वो क्रोध आ जाता है, कितना वो क्या कहते हैं हंसने लगता है, हास्य रस आ जाता है, सारे रस आ जाते हैं, हर एक आदमी में ये बात है। मगर उसको याद करके और फिर उसको स्टेज पे करना या फिल्म में करना, ये कला की है, अभिनेता करता है। तो आपको क्या लगता है कि अश्वत्थामा जो है वो अंतर्मुखी है? अश्वत्थामा अंतर्मुखी तो था ही, ये सब अंतर्मुखी संवाद है। अभी कहां सुनाई देगा, अब इसी चीज को हम कितना प्रोजेक्ट करेंगे बिना माइक के,
और वही इस पर वजह से करता है ये विधा, इसमें तो ज्यादा उद्गार होगा ना वो। और कहां मैं देख रहा हूं और कहां कैमरा है, नीचे है या अगर मैं नीचे हूं इस मुद्रा में हूं, मैं ऊपर देख ही नहीं रहा हूं, मैं अंतर्मुखी हूं, मैं अंदर हूं। अब कैमरे को तो यहां होना चाहिए ना, मुझे पता भी नहीं कि कैमरा यहां है। अब यहां से लो, ये क्या थिएटर में आएगा, कहां से आएगा? तो बहुत चीजें जब धीरे धीरे अनुभूति होती है, अनुभव होता है कि हम दिखा तो ये रहे, ये कर रहे, मगर असलियत जो है वो तो अंदर ही है, उसको कैसे उजागर करें? इससे बढ़िया कोई विधा हो सही नहीं सकता। हम तो कहते हैं ये सब जितनी चीजें हैं ये सब हिम्मत करके किसी न किसी को बीड़ा उठाना चाहिए और ये सब इसमें आना चाहिए। अगर बी आर चोपड़ा महाभारत बना सकते हैं तो फिर ये एक प्रसंग अश्वत्थामा का अंधायु का क्यों नहीं पिक्चराइज किया जाए? तो आपने अंधायु किया था आखिरी बार करीब आज से 35 साल हो गए। तो 35 साल पहले के उस रोल को अगर एक राजेश विवेक जो आज की तारीख में अभिनेता है उनको 35 साल किए गए एक राजेश विवेक के अश्वत्थामा के रोल के बारे में टिप्पणी करनी हो तो क्या टिप्पणी करेंगे? समय समय की बात है। देखिए समय समय की बात का मतलब है एक अवस्था है, अवस्था अवस्था की बात है। गर्भ में रहते हुए सारी बात सुनते हुए अभिमन्यु ने कितने चक्र भेद दिए, तो संस्कार की बात है। हम तो ये कहेंगे कि जितना परिश्रम वो हुआ वो सफल रहा अपने परिवेश में, उस काल में, उन स्थितियों में, परिस्थितियों में, या इमरजेंसी भी लग जाती थी, इंदिरा गांधी थी उसी वक्त, राज पलटा, मन मोरारजी देसाई आ गए, मैं उनके रिजीम में भी रहा, फिर इंदिरा गांधी आई फिर भी मैं वहां रहा, सत्ता पलटी उल्टी सब। तो कभी रजिया सुल्ताना दिखाया जा रहा है, रजिया सुल्तान अलका जी डायरेक्ट कर रहे हैं, इंदिरा गांधी एकदम सामने बैठी हुई हैं। इतना समसामयिक संदर्भ से जुड़ गया कि मैं अपने सारे संवाद जो रोहिणी हथकड़ी को रजिया सुल्तान बन के बैठी थी उनको बोलने के बजाय जिस सामने इंदिरा गांधी बैठी उनको बोलने लगा, फारसी में सब तस्वीर ये हो। मेरा कहने का मतलब ये है प्रासंगिकता, एक चीज कर रहे रजिया सुल्तान, एक चीज कर रहे अंधायु, एक चीज, मगर वो आज के समय से कैसे जुड़ता है? अगर देखने वाला दर्शक महसूस करता है अरे तू मुझसे सब डायरेक्ट बोल रहा है, ये होता है। हम चाहे तो स्टेज पे से जैसे आपकी आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं ऐसी हम इंदिरा गांधी की आंख में आंख डाल करके बात कर सकते हैं, ये हमको डायरेक्टर ने इसके लिए मना नहीं किया। ये हमारे अभी मैं जो रजिया बन के बैठी हुई सिंहासन पे उसी की तरफ देख रहा था, मगर चूंकि ऑडियंस को दिखाना है मुझे तो कौन सा संवाद मुझे ऑडियंस से बोलना है ताकि वो गदगद हो जाए। अब ये डायरेक्टर को भी पता है कि नहीं है, और डायरेक्टर ने अगर बताया तो मैं उस लाइन पर चलूंगा। अगर डायरेक्टर ने नहीं बताया इस बारे में हमें कोई विशेष सावधानी नहीं बरती है तो मैं तो खेलूंगा, तो मैं खेल गया। इंदिरा गांधी हमारे लिए खड़ी नहीं कि हम उससे मिल के जाएंगे, क्योंकि मैं उनसे कम्युनिकेट करने में अपना संवाद भूल गया जो संवाद बोलना था इसको। इतना उसके बाद फिर उस संवाद कैसे याद है, उसके लिए मैंने वो तस्वीर लेके कैसे उसको मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पता नहीं क्या क्या बड़बड़ बड़बड़ जो कुछ भी हमको सिखाया गया था वो बोलना शुरू कर दिया। और उसके बाद कैसे करके मैं आया और फिर मैंने अपने को चाटा वाटा मारा कि मैंने जैसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए था, मगर वही दुस्साहस रंग ले आया, वही हमारा जिसको कहते हैं जो मैं मिरर के सामने अपने को फटकार रहा था कि मैं ऐसा चरित्र क्यों कर रहा हूँ, जैसा बताया गया उसके करने के बजाय मैं जो ये प्राथमिकता जिसको कहते हैं ये एक एडवांटेज ये जो ले रहा हूँ मैं कि सीधे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ वो भी सही वर्जी है आदम जो बैठी हुई है वो तो हमारी, लेकिन वो सही जो सामने बैठी वो उसे, तो उनको महसूस हुआ
छोटी आकर के वहाँ देख रही थी, फिर बड़ी गिरी, फिर बगल वाले से पूछा क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे मजा आया, मैं अपने डायलॉग भूल गया। उसमें इतना आनंद आया मुझे, और उसके बाद कैसे कवर करके मैं जब आया तो फिर उसके बाद डायरेक्टर साहब ने आके कहा इब्राहिम साहब ने वजीर आजम खड़े आपके, मैंने तो समझा कि अब मेरी क्लास लेंगी, तुम ऐसा क्यों करते हो, डर गया। मैंने कहा दाढ़ी लगा के जाऊँ कि दाढ़ी हटा दूँ, क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए ना। कह लगे ही रहने, तो मैं निकाल लिया था, मैं फिर चिपकाया, फिर उसके बाद मैंने कहा आप चलिए आगे, कह नहीं तुम आगे चलो, मैंने कहा नहीं नहीं आप मेरे गुरु हैं आप चलो, तो वही तो खड़ी हुई है अपने पूरे स्टाफ के साथ सब सिविल ड्रेस में, मैं नजर नहीं मिला, मैंने कहा बड़ी गुस्साखी हो गई यार, तो कैसे नजर मिलाऊँ, तो चरण उनके चरण की तरफ देख रहा था, तो जब उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर अभिनय किया आपने, तो मुझे लगा कहीं मैं तंज में तो नहीं बोल रही है, तो उसके लिए कि उनका भाव क्या चेहरे पे, तो मैंने आँख मिलाई उनसे धीरे से ऐसे करके ऐसे देखा उनको, तो देखा माँ जैसे, माँ देख प्रशंसा करती उस तरह, मुझे अपनी माँ याद आई, मुझे माँ दिखाई देगी, माँ दिखाई देगी, तो फिर मैं ऐसे करके ऐसे किया, ऐसे किया, तुमने हाथ पकड़ लिया, तो हाथ बड़ी देर तक पकड़े रहे, मैंने कहा ये भी गुस्ताखी होती ज़्यादा, यानी आप ये समझिए कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं कि आप होते हैं, कुछ क्षण ऐसे होते हैं इसमें आप ही होते हैं, और वो क्षण मेरे साथ हुए हैं, अश्वत्थामा हूं, रजिया कर रहा हूं वही, मगर वहां पे मैं आ गया, वहां पे राजेश विवेक था वो जो कर रहा था, राजेश विवेक ने राजेश विवेक बता दिया कि राजेश विवेक ये है, मुझे नहीं भान इस बात का, मुझे तो गलती हो रही है, मैं तो माफी मांगने को तैयार हूं कि मुझे शायद ये गुस्ताखी हुई है, मगर वही राजेश विवेक एक्सेल इन परफॉर्मेंस टाइम्स ऑफ इंडिया में आप नेक्स्ट और से कह रही हैं आपको रामिन्द्रनाथ टैगोर का करना चाहिए, आपको टॉलस टाय का करना चाहिए, आपके ऊपर बहुत अच्छा रहेगा, वो हमें सेंस करेंगे इस सेंस करके महान महान चित्रों के नाम ले रही कि आपको ये करना चाहिए, कोई दाढ़ीवाल में था, तो दाढ़ीवाल में उनको रविन्द्रनाथ टैगोर की वो शिष्या थी शांति निकेतन में, तो बड़े बड़े लोगों ने परफॉर्मेंसेस देखी, डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर हमारे रिश्ते में मामा रखते हैं, गुरु मामा, हमारे गुरु जी के मामा, हमारे गुरु जी हैं आगरा में अपना डॉक्टर अगम प्रसाद माथुर चांसलर हैं, दो टाइम इंदिरा गांधी के समय में चांसलर रहे अपना क्या कहते हैं आगरा यूनिवर्सिटी के, बहुत विद्वान है, मगर सत्संग बहुत बड़े मतलब कि वो तो संत परिवार के हैं, हजूर महाराज साहब दयाल की पांचवी पीढ़ी है रसमी दयाल, तो माने उन्हीं से उद्देश्य किया रसमी नाम, तो हमसे कहीं बेटा तुम ले लेना क्योंकि हम लोग संत परंपरा के हैं, तो तुम दादा से उपदेश लिया, तो दादाजी के वो जो मामा जी हैं वो बड़े विद्वान, वो अपना नेशनल स्कूल ड्रामा के चेयरमैन उस वक्त जो मलका जी विराय मलका जी डायरेक्टर थे, हमें नहीं मालूम था, वो डॉक्टर जगदीश शर्मा शारदिया लिखा, शारदिया बहुत वो पहला राजा सब नाटक उनके लिखे सब यूनिवर्सिटी में किया गया, हम लोग नहीं थे तब की बात है, मगर उसका चेयरमैन, हमने 76 में जब इमरजेंसी हुई लागू हुई, तो मैंने उसी इमरजेंसी जिस दिन लागू हुई उसके उसी दिन इमरजेंसी लागू हुई है जब तक लागू हुई है उसके ठीक करीब 2 घंटे पहले मैंने रिजाइन कर दिया, पता नहीं क्या डिस्टर्ब हुआ मैं, मैंने कहा दुनिया भर के चित्र करता हूँ मेरा अपना चित्र खो गया, तो एक एक फेस्टिवल में मैं 15-15 चरित्र करता था, मोहन राकेश के आधे अधूरे में 5 चरित्र कर रहा हूँ, फिर ये 8वां सर्ग में चालक वो क्या चालक की तरह पूरा वो था धर्माध्यक्ष उसका चरित्र कर रहा था, बीवियों का मदरसे में पूरी कॉमेडी है वो मैं अपना भी कर रहा हूँ टुक 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 करके एकदम चाली चपरी बना हुआ, तो सारी दुनिया के चरित्र, मगर मेरा अपना स्वयं का चित्र क्या है, मैंने कहा अपने चरित्र को मैं भूल गया, कितना पूजा पाठी आदमी कितना ये वो सब भूल गया मैं, मैंने कहा मैं अपने को फिर से याद करूंगा, मैंने डिजाइन कर दिया बिना कोई एक नियमता नहीं किया, मेरे ऊपर ब्लेम लग गया, मैंने छोड़ दिया, ई यू एस ई है यू बता इब्राहिम लगा ने लिखा बजट में ई यू एस ब्रोकन द एथिक्स ऑफ द ड्रामेटिक्स, इतना बड़ा ब्लेम, यानी जीरो, अगर मैं एडमिशन अब करूंगा एन एस जी में अगर मुझे लिया गया तो जीरो से फ्रॉम जीरो लाइक ए पीएल झल लगाऊंगा मैं, जबकि मैं टॉप पे था, टॉप ऑफ द मोस्ट सीट पे था मैं एज एन एक्टर, सब कुछ मेरे ऊपर था, मैंने छोड़ दिया,
डॉक्टर जगजीत सिंह क्यों छोड़ा, वो तो अपनी एक इसको कहते हैं ना कि डिलेमा, एक जिसको कहते हैं ना एगोनी, एक जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जैसे लगता है कि इतना सब क्या करें, कुछ नहीं है, एकदम ये भाव आ गया। हमने उस वक्त गैलीलियो गैलीली, हमारे एनएसबी का ही लड़का निकला हुआ था अमिताभ दास गुप्ता, उसने कहा बाबा, हमको सब बाबा बोले दाढ़ी वाले, कि ये आप रिज़ाइन करके बड़ा अच्छा कि मैं स्क्रिप्ट आया हूँ जेएनयू के लड़कों से करवाई है मैंने, और ये संस्कृत के तत्सम शब्दों में लिखी गई है, ये डायरेक्ट जर्मन से अनुवाद किया है, ये क्या कहते हैं इसके द लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीली उसका यह भावानुवाद है। बट ओल्ड ब्रेथ, उनको हिटलर ने निष्कासित करा दिया अपने, उन्होंने ऐसी बातें कर ली, जो चीज़ है उस पर उंगली उठा दी, ये सत्य नहीं है, जो दिखाई देता वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखाई देता वो सत्य है, ये गैलीलियो बोलता था, उसको मार दिया, कॉपरनिकस को मारा, कॉपरनिकस मारा गए वहीं पे जहाँ पे मंडी हाउस में जहाँ करते थे, उसको जिंदा, उसके बाद इसको इसकी बारी आई, उसके बाद न्यूटन पैदा हुआ, तब वो गुरुत्वाकर्षण का नियम पैदा हुआ, तो इस डिलेमा में वो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, द लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीली, साइंटिस्ट था, दूरबीन उसने बनाई, दूरबीन बनाई कोई झांकने नहीं आया, क्योंकि उसकी आस्था टूटती थी कि सौरमंडल में पृथ्वी एक अटल है और सूरज चारों तरफ घूम रहा है, ये था नियम, और उसने कह दिया कि नहीं, सूरज अटल है अगर अपनी जगह तो पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, ये है उल्टा है, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, तो वो चरित्र मैं जिया रिजाइन करने के बाद, अंडरग्राउंड श्रीराम सेंटर के जो नीचे बेसमेंट है उसको तलाश किया गया, उसमें पानी भरा रहता था फ्री ऑफ चार्ज, वो आप थे राजेंद्र नाथ, उन्होंने कहा कि हमने गए अमिताभ दास का था, उसने कहा कि यहाँ पे इकोइस्टिक बड़ा बढ़िया है, आप जरा से बोले सुने देखा, हाँ मजा आ गया, साफ करवाया, पानी भरा था, एक पैसा चार्ज नहीं किया, वहीं पे परफॉर्मेंस, वहीं पे सब साहित्यकार आए कि राजेश विवेक ने छोड़ के एनएसडी गोल्डन केज में से वो चिड़िया उड़ गई और उड़ करके चली आई ये खंडहर में, यहाँ पे जहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे जहाँ पे की एक क्या कहते हैं उल्लू और चमगादड़ का घोंसला भी नहीं है, वहाँ पे आ करके वहाँ पे अंडरग्राउंड बेसमेंट में थिएटर करने जा रहे हैं, वो भी गैलीलियो गैलीली, ये हवा हुई, सारे साहित्यकार सक्सेना और रवीर सहाय साहब जितना हमारे लिए लिखते थे, जो लोग हमारी प्रशंसा करते सब आ गए, बल्कि डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा हमको रोल दो हम करेंगे तुम्हारे साथ, तो दे दिया रोल किया हमारे मित्र का, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, अब मैं गैलीलियो बदला हो गया था, खाना पीना ठीक से मिल रहा था, बाहर चला आया था कैसे 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 बीमार, जैसे एक बीमार आदमी प्रिजन में जैसे रहता है, वही हो गया मैं और वही चरित्र मैं कर रहा हूँ। अब बोलती है क्या आवाज़, ऐसे टंकार जैसे घन धनुष की टंकार थी, ऐसी आवाज़ थी, टन ऐसे बोल, टन ऐसे बोल, वो परफॉर्मेंस हुई हमारी, और डॉक्टर जगदीश चंद माथुर आए मेरे पास, ऐसे किए मुझे, और मैं अभी उसी में हूँ, बोले परफॉर्मेंस हो गई, सब लोग विश कर रहे हैं, बहुत स्टैंडिंग ओवेशन, और कह रहे हैं कि मैंने मूल जर्मन में बटोल प्रेस के निर्देशन में द लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीली देखा है, तुम उस एक्टर को सरपास कर गए हो राजेश, इतना बड़ा कमेंट कौन देगा बताओ, लास्ट के सीन में तुम उसको सरपास कर गए, मैं अभी भी कहता हूँ तुम एनएसडी मत छोड़ो, मैं तुम्हें पद्मश्री दिलाऊंगा, मैं पद्मभूषण दिलाऊंगा, तुम वहाँ रहोगे तुम बहुत नाम कमाओगे, चलो आओ मेरे साथ। अलका जी बहुत दुखी है, बड़ी यात्रा की हमने, उस यात्रा में बहुत भोगा हूँ मैं, बहुत भोगा हूँ, आज मैं तुम्हारे सामने सब बोल रहा हूँ, तुम्हारा संस्कार है, तुम ऐसी चीज़ बना रहे हो, ऐसी चीज प्रिजर्व कर रहे, तो उसमें आदमी की भावना नहीं रहेगी तो क्या रहेगा बताओ मुझे, भावना प्रधान देश है यार ये, तो वो यंत्रणा अश्वत्थामा की हो, परशुराम की हो, युगों युगों से राम की हो, कृष्ण की हो, ये सब मानव शरीर में अवतरित हुए हैं,
जो दूसरे शरीर में नहीं गए, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, इसी से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और कोई योनि से हम कोटि कोटि योनि में हम लोग रहे, याद हो चाहे ना याद हो, रोजाना हम लोग पृथ्वी पर रहते हुए सूरज की प्रतीक्षा करते हैं, 365 दिन में एक सूरज की परिक्रमा कर लेते हैं। ये आज का साइंस बोलता है, पहले ये साइंस नहीं था गैलीलियो के टाइम में, तो सोचो उसका साइंस भी बोलता था। तो अभिनेता, अभिनय करने वाला कलाकार सच्चा मनुष्य होता है। अगर वो सच्चा है अपने प्रति तो, अगर बेईमान है तो बेईमान होगा। इसका जिसकी यही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी, तैसे लगान, स्वदेश, ये सब जितनी भी फिल्में मैंने यहाँ पे की हैं, उसके बाद वहां से आने के बाद 8 साल समझिए मैं रेपेट्री में रहा, 11 साल मैं नेशनल फॉर ड्रामा से संबंध रहा। 1982 में मैंने फाइनल रिजाइन किया, मैंने दो बार रिजाइन किया, दो बार ज्वाइन किया, 82 में फाइनल किया। तब से बॉम्बे में अपना 10 काम आते हैं, उसमें एक दो काम चुनता हूँ मैं, वो करता हूँ। तो थिएटर तब से, लेकिन उसके बाद से स्टेज पे उतरा हूँ, स्टेज पे भाषण दिया है, सब कुछ है स्टेज पे, अपना जो भी वो एक स्किट बनाई गई या जो भी पूरा अमेरिका कनाडा वो सब लगान की स्किट, वो सब करा है स्टेज पे ही कर, करता में दोष हो गया। उसके अलावा जब भी स्टेज पे बुलाते हैं दो शब्द बोल देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, अपना एक्सपीरियंस बोल देता हूँ, अपनी अनुभूति बोल देता हूँ, जैसे अभी बोल रहा हूँ। मगर बहुत आया, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे ओमपुरी हो, चाहे अपना नेहाक से निकले हुए राज बब्बर हो, नाजरा जहीर हो, ये जितने भी हैं अपना अपने एसी के निकले हुए सब लड़कों ने, बहुत लोगों ने, आप ये अपना मकरंद देशपांडे, ये सब पृथ्वी थिएटर में सब ने, पृथ्वी अपना शशि कपूर साहब, तुम करो थिएटर, करो थिएटर, तुम्हारे लिए सब फ्री है, ये है वो। मगर हमें स्क्रिप्ट भी तो मिले। हमारी मानसिकता जो अंधा युग से लेकर अश्वत्थामा से लेकर के और परशुराम और ये सब चरित्र और महाभारत के वेद व्यास करते करते अल्टीमेटली आज के आज इस युग में हम किसके आगे ढपली बजावें, भैंस के आगे भी बजावें, मतलब असर करे जिस पे उसके आगे कुछ कहें और उस पे असर कर जाए और वो जो महसूस कर जाए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पूरा परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने आप में। अगर मेरी जो से एक आदमी में परिवर्तन हो जाए, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो और चाहे वो सर्वसाधारण किसान हो जो कुछ नहीं कर रहा है इसलिए कि उसको कुछ मिल नहीं रहा है, और वो बहुत कुछ कर रहे हैं और उसी के नाम पे कर रहे हैं, मगर इतना भ्रष्टाचार महाभारत में था, अंधा युग में था, सोते हुए उसने रात में ब्रह्मास्त्र डाल दिया अश्वत्थामा ने। आज के संदर्भ से अगर हम जोड़ें तो आज भी क्या हो रहा है, जो रेप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, ये सोते हुए को मारने की वाली बात तो है। उस रजीत वहां पे मर गया 23 साल तक पड़े रहने के बाद। पूरा मीडिया से मैं एक प्रार्थना करता हूँ, सारी मीडिया से, सारी इंसाइक्लोपीडिया से, सबसे मैं, कि जो अच्छी चीज है वो मिक्स पृष्ठ पे रखो ना यार, तबियत खुश हो जाए देख करके, सुनते सुनते अखबार देखने का मन नहीं करता। समाचार चैनल को भी खोलो, अरे उगता हुआ प्रभात तो दिखाओ यार, एक बार चिड़िया का चहचहाना तो सुनाओ, एक बार प्रकृति का दर्शन तो कराओ यार, खोलते ही सवेरे इतना आनंद आएगा यार, कुमार काट कलाकार, ये चीख पुकार, बम एजम बम परीक्षण, ये वो जब कर देंगे वो कर देंगे, देखो सा गुंडागर्दी, तानाशाही चल रही है, क्या है यार, क्या प्रजातंत्र है, शर्म आती है, दुख होता है, सबसे बड़ी यातना यही है।